हेलो एंड वेलकम बैक। आप सब ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि डिश वॉशर का मैं रिव्यू दूं और इसका पूरा डिटेल प्रोसीजर मैं आपको। मेरा जो डिश वॉशर है ये बॉश का डिश वॉशर है। देखिए इसमें ना कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से इसमें अपने जो बर्तन आप यूज़ करते हैं उनको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्ट डालना पड़ता है, ये सॉल्ट का सेक्शन है, और यहाँ से ना सारी क्लीनिंग होती है। इसको भी आपको इन बिटवीन निकाल निकाल के क्लीन करते रहना पड़ेगा। 10 to 15 days के बीच में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर डिटर्जेंट और जो रिंस लिक्विड है वो डाला जाता है। तो आप सबके घर में ना अलग अलग तरह के बर्तन यूज़ होते हैं, तो मैं जो नीचे वाला जो बास्केट है इसमें, उसमें ना मैं जो हमारे दूध की और चाय के जो बर्तन रहते हैं उनको मैं रखती हूँ, और डिश वॉशर में हमेशा बर्तन उल्टा करके रखा जाता है, तभी ये आसानी से क्लीन होंगे। कटलरीज रखने के लिए आपको ये अलग से बास्केट मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारी कटलरीज, स्पूंस, नाइफ सब कुछ आप इसमें रख के वॉश कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है मैंने कप्स, ग्लासेस और छोटे छोटे जो बाउल्स हैं ना वो मैंने रख दिया है।